तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, यानी कि टीजी टू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का, यानी कि बैटरी का पार्ट वन होगा, ठीक है। यानी कि दूसरा पार्ट भी होगा, दो पार्ट होगा बैटरी का। और इससे पहला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर टीजी टू में सिलेक्शन लेना है तो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टीजी टू में सिलेक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत आप लोगों को हम तो यानी कि कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम तो कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करना होगा, तब यानी कि टीजी टू में सिलेक्शन कंपलसरी यानी कि होना ही होना है, ठीक है। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, बैटरी चार्जिंग उपकरण आमतौर पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कर, यानी कि अच्छी तरह हवादार स्थान में, ठीक है भाई। बी में कह रहा है यानी कि साफ और सूखी जगह पे, चलिए ठीक है। सी में कह रहा है यानी कि बैटरी चार्ज करने के लिए हारिक के रूप में, ठीक है। देखिए दोस्तों ये भी सही है, और डी में दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों यानी कि बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो यानी कि सभी बातों को फॉलो करके अगर रखते हैं तो यानी कि बैटरी को यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर जो दिया है यानी कि इसमें सारा सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यदि एक लेड एसिड सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज किया जाता है तो निम्न होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में कर यानी कि सेल की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है भाई। बी में कर प्लेट का सल्फेट होगा, ये भी हो सकता है। सी में करें यानी कि आंतरिक प्रतिरोध एकदम बढ़ेगा, और डी में करें इनमें से सभी। तो दोस्तों यानी कि जब 1.8 वोल्ट, ठीक है, 1.08 यानी कि 0.8 वोल्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। अगर इससे अगर कम किया जाए तो या तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लेट मुड़ जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन डी में कह रहा है, ठीक है। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि निकिल फेरस सेल का सो आवेशन डैश एडिशन सेल है, तो यानी कि उसके अपेक्षा पूछ रहा है, दोनों का अपेक्षा पूछ रहा है। तो निकिल सेल का जो होता है आवेशन एडिशन सेल से यानी कि कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है, इसके अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है कम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन गलत है, यानी कि गलत वाला को हमको पहचानना है, गलत क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एक भंडारण सेल में एक प्रतिवर्ती रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ये तो होता ही है, रासायनिक क्रिया तो होता है ना भंडारण सेल में। क्या कह रहा है फिर पढ़ लेते हैं एक बार, एक भंडारण सेल में एक प्रतिवर्ती रासायनिक क्रिया, नहीं भाई, बी में कह रहा है ये तो होता है, गलत वाला हमको पहचानना है, ठीक है। और बी में कह रहा है एक लेड एसिड सेल को डिस्चार्ज किया जा सकता है, क्यों नहीं। और डी में कह रहा है कार्बन जिंक सेल की असीमित अचल जीवन होती है, ऐसा तो नहीं है दोस्तों, यानी कि अनलिमिटेड लाइफ नहीं होगा, कोई भी बैटरी का अनलिमिटेड लाइफ नहीं होगा, ठीक है। तो डी में दिया है एक प्राथमिक सेल में एक यानी कि परिवर्तनीय रासायनिक प्रक्रिया होती है, प्राथमिक सेल में अपरिवर्तनीय, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जो सी में दिया है दोस्तों ये सरासर गलत है, तो राइट आंसर हमको गलत वाला ही पहचानना था, तो सी किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि एक लेड एसिड सेल की क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि किस पर निर्भर करता है, तो निर्वहन की दर यानी कि जो डिस्चार्ज हो रहा है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। बी में कह रहा है तापमान, इस पर भी डिपेंड करता है। और सी में दे इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इनमें से यानी कि सब पे डिपेंड करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, सारे पे डिपेंड करता है, तो डी में दिया है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध एडिशन सेल का होता है, ठीक है, तो यानी कि इसका भी दोनों का कंपेरिजन करके हमको बताना है कि किसका यानी कि कम होता है प्रतिरोध, किसका ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों लेड एसिड सेल का जो होता है यानी कि कम होता है, किसके अपेक्षा, तो एडिशन सेल की अपेक्षा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि अंडर चार्जिंग, ठीक है, यानी कि अंडर चार्जिंग का क्या महत्व है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को कम करता है, ठीक है। बी में कह रहा है ये तो सही है, और बी में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है। बी सी में कह रहा है यानी कि अत्यधिक गैसिंग पैदा करता है, ये भी नहीं करता। और डी में कह रहा है दोस्तों तापमान बढ़ाता है, ये भी नहीं बढ़ाता है।
तो दोस्तों यानी किसका जो काम है इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट ग्रोथ को कम करना, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि बैटरी चार्जर करने पर ऑप्शन ए में का यह रासायनिक यह सक्रिय सामग्री में रासायनिक परिवर्तन लाएगा, ठीक है, और बी में करा यह बैटरी की क्षमता को बढ़ाएगा, और सी में करा यह इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट घनत्व को बढ़ाएगा। क्या करा बैटरी जब ओवर चार्ज करने पर क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है, और इनमें डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी कि बैटरी को जब यानी कि ओवर चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो हो सकता है यानी कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाए, क्षमता कम जाए, तो ये फैक्ट होगा। तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी माना जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो जाता है, यानी कि सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध होता है किससे यानी कि कम जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि निर्वहन के दौरान एकीकृत गैस की अनुमति के लिए वेंट प्लग का उपयोग करना, ठीक है भाई। बी में यानी कि प्लेट क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। सी में कह रहा है प्लेट को एक साथ बहुत करीब रखना, ये भी ठीक है, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका यानी कि सारा बात सही है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, यदि एक बैटरी गलत तरीके से चार्ज पर जुड़ी है तो निम्नलिखित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है बैटरी द्वारा दिया गया करंट अधिक होगा, तो दोस्तों बी में है यानी कि धारा शून्य लेगी, सी में है बहुत कम धारा लेगी, और डी में कहा यानी कि बहुत अधिक धारा लेगा, ठीक है। जब दोस्तों यानी कि बैटरी को गलत तरीके से चार्ज किया जाएगा तो यानी कि ज्यादा क्या होगा, यानी कि ज्यादा करंट को वो लेगा, ठीक है, ज्यादा यानी कि करंट को लेगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है ज्यादा करंट, यानी कि अधिक धारा लेता है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी में दिया है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, लिखित संकेत देते हैं कि चार्ज पर बैटरी ने पूर्ण चार्ज प्राप्त किया है, ठीक है, किससे यानी कि पता करते हैं कि वो बैटरी पूर्णतः चार्ज है। तो ऑप्शन ए में इलेक्ट्रोलाइट के रंग से भी पता कर सकते हैं, गैसिंग से भी पता कर सकते हैं, और इसका गुरुत्व तो एकदम विशिष्ट गुरुत्व से पता हो जाएगा। तो राइट आंसर सारा है, ठीक है, सारा दिया हुआ है, सारा राइट है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि जिक्र के दौरान, ठीक है, विकसित हाइड्रोजन विस्फोटक मिश्रण का उत्पादन करता है जब यह अधिक से अधिक होता है, ठीक है, तो हमको यानी कि इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया है यानी कि 2%, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, यानी कि तो इसके अपेक्षा हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है लगभग 8% होता है, कितना 8%। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न यानी कि सामान्य चार्जिंग दर के तहत चार्जिंग करंट होना चाहिए, यानी कि सामान्य का पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि सामान्य जो होता है यानी कि कैपेसिटी का, ठीक है ना, यानी कि कैपेसिटी का वो यानी कि 10% होना चाहिए, कितना 10%। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एडिशन सेल की निगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि एडिशन सेल का पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि एडिशन, और एडिशन सेल का यानी कि निगेटिव प्लेट जो बना होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि एडिशन सेल का निगेटिव प्लेट जो बना होता है वो यानी कि आयरन का बना होता है, किसका, यानी कि आयरन का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है आयरन, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है आयरन, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि निरंतर धारा प्रणाली की तुलना में लेड एसिड सेल को चार्ज करने की निरंतर वोल्टेज प्रणाली का लाभ है। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि चार्जिंग का समय कम करना, ठीक है, बी में करें यानी कि सेल की क्षमता में वृद्धि, और सी में दिया ए और बी दोनों, और डी में दिया है अत्यधिक गैसिंग से बचना, ठीक है, यानी कि अत्यधिक गैसिंग से बचाना। तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए भी होगा इसका और ऑप्शन बी भी है, तो ऐसा जो दिया है यानी कि ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, तो राइट आंसर दोस्तों इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न यानी कि एक सीसा एसिड सेल की क्षमता को मापा जाता है, ठीक है, कोई भी यानी कि बैटरी का जो क्षमता होता है किसमें मापा जाता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि बैटरी का जो यानी कि मापा जाता है, ठीक है, यानी कि क्षमता को जो मापते हैं यानी कि एम्पियर आवर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऐसा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है, राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि दिया है शुष्क सेल की क्षमता है,
ठीक है, यानी कि शुष्क छेल का जो क्षमता होता है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है अधिक जब यह अपरवाहिक अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति कर रहा हो, चलिए ठीक है। बी में कराए अधिक जब यह निरंतर अवधि के लिए धारा की आपूर्ति कर रहा, ऐसा नहीं होता है। सी में कराए यानी कि निर्वहन के प्रकार से अप्रभावित, और डी में कराए यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यदि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट के स्तर से नीचे गिरता है तो निम्न होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट के स्तर से अगर नीचे गिरता है तो इस पे जो यानी कि प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है यानी कि सेल की क्षमता कम हो जाएगी, एकदम होगा। बी में है सेल का जीवन कम हो जाता है, एकदम होगा। सी में दिया है खुली प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित होगी, एकदम होगा। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा यानी कि सारा बात सही है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट का डैश स्तर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जो होता है यानी कि प्लेट से यानी कि ऊपर होना चाहिए, ठीक है। किससे, यानी कि प्लेट से यानी कि ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का स्तर। ऑप्शन किसमें दिया है ऊपर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, जब बैटरी यानी कि जब दो बैटरी समानांतर में जुड़ी होती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर बैटरी को समानांतर में जोड़ा जाए जाए तो यानी कि दोनों बैटरी का जो है यानी कि दोनों बैटरी का यानी कि ईएमएफ समान होना चाहिए, क्या ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि उपग्रह बिजली की आवश्यकता के माध्यम से प्रदान की जाती है, किसका कार्य है दोस्तों, यानी कि उपग्रह का कार्य है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि उपग्रह का जो होता है यानी कि सोलर सेल होता है, कौन सा, सोलर सेल होता है। ऑप्शन किसमें दिया है सोलर सेल, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोलर सेल, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, यानी कि चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो बताना है हमको। तो ऑप्शन ए में कह रहा है बैटरी वोल्टेज से कम, गलत है। बी में कह रहा है यानी कि बैटरी वोल्टेज से अधिक होता है तब ना उसको चार्ज करते हैं, और सी में कह रहा है बैटरी वोल्टेज से समान, समान नहीं होगा, और डी में इनमें से कोई नहीं, ये तो सरासर गलत है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्षार सेल के लिए औसत चार्ज वोल्टेज लगभग है, किसका कार है दोस्तों, यानी कि क्षार का कार है। और दोस्तों क्षार का जो होता है 1.7 यानी कि 7 वोल्ट होता है, कितना, 1.7। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, जब एक लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट ग्रोथ घटकर 1.1 से 1.05 हो जाता है तो सेल होती है, ठीक है, यानी कि घट जब जाता है तो क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि चार्ज की गई स्थिति तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बी में है यानी कि डिस्चार्ज का अवस्था, ठीक है, और सी में दिया ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों तो होगा नहीं क्योंकि चार्ज की गई स्थिति से क्या मतलब है, और डी में दिया है यानी कि सक्रिय अवस्था, इससे भी नहीं। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निरंतर वोल्टेज चार्जिंग विधि में चार्जिंग करंट का मान डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज की अवस्था में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कहा यानी कि घटता है, बी में कहा यानी कि बढ़ता है, सी में कहा निरंतर रहता है, डी में कहा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है, ठीक है ना, यानी कि निरंतर चार्ज के दौरान जो होता है ये आपको यानी कि घट जाता है, क्या होता है, यानी कि घटता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है घटना, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है थोड़ा बड़ा प्रश्न, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सीसा एसिड सेल में यदि सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट ग्रोथ 1.8 है तो उसे 1.3 के विशिष्ट ग्रोथ का मिश्रण प्राप्त करने के लिए एडिशन सेल में पानी का अनुपात की आवश्यकता कितना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि पानी का जो अनुपात होता है यानी कि 4 या 6 भाग रखा जाता है, ठीक है, यानी कि 4 या 6 से 4 भाग रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि 4 भाग या 6 भाग, ठीक है, यानी कि 4 या 6 भाग किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, किसमें, अम्ल के 4 से 6 भाग पानी रखा जाता है, तो राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे।
अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, ताकि उसका यानी कि सलूशन बहुत जल्द हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।